प्रकाशन करते हैं। आगे बात करें दिल्ली की, आगे बात करें दिल्ली की, दिल्ली को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे बात करें दिल्ली की, दिल्ली के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां जब उभर के आती हैं, जब 23 दिसंबर 1912 में खुदीराम बोस और त्रिफुल चाकी, खुदीराम बोस व त्रिफुल चाकी लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंक देते हैं। लेकिन यह जो बम है कैनेडी की गाड़ी पर गिरता है और जब से ही दिल्ली के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां होनी शुरू हो जाती हैं। अब आगे बात करते हैं क्रांतिकारी की गतिविधियां विदेश में। अब विदेश के अंदर क्रांतिकारी की गतिविधियां अंदर क्रांतिकारी गतिविधियां सबसे पहले बात करें विदेश में तो क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें विदेश के अंदर इंग्लैंड के अंदर लंदन के अंदर सामाजी कृष्ण वर्मा विनायक दामोदर सावरकर हरदयाल और मदनलाल डिंगरा ये सभी गतिविधियां कर रहे थे इंग्लैंड के अंदर। आपको बता दें कि 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा भारत स्वशासन समिति का स्थापना कर देते हैं। भारत स्वशासन समिति का गठन कर देते हैं और यह आगे चलकर इंडिया हाउस, यह स्वशासन समिति जो आगे चलकर इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है, आगे चलकर इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता है। जब श्यामा प्रसाद इंग्लैंड को छोड़कर पेरिस जर्मनी में चले जाते हैं तो विनायक दामोदर इंडिया हाउस से ही एक अपनी प्रसिद्ध किताब लिखते हैं जिसका नाम था 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। यहाँ से इंडिया हाउस से ही विनायक दामोदर एक किताब लिखते हैं जिसका नाम है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ये किताब ये यहीं से ही लिखते हैं। और विनायक सावरकर को नासिक षड्यंत्र के अनुसार इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। और जेल में डालने के बाद नासिक षड्यंत्र के अनुसार इन्हें काले पानी की सजा दी जाती है, काले पानी की सजा दी जाती है। आगे बात करें अगला हमारे पास विदेश की बात करें तो विदेश में क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं। तो अगला आता हमारे पास में फ्रांस। अब फ्रांस में गतिविधियों को जो बढ़ावा दे रही थी वो थी भीका जी कामा। जब 1906 में कृष्ण वर्मा फ्रांस में आ जाते हैं तो भीकाजी कामा के साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों को फ्रांस में बढ़ावा देते हैं। आगे बात करें तो अमेरिका और कनाडा में बात करें तो
इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों का जो बढ़ावा दे रहे थे हरदयाल 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 ही फ्रेंच हरदयाल ही 1 नवंबर 1913 को 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर देते हैं पार्टी की स्थापना। तो आपसे पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो आपका उत्तर होगा हरदयाल ने। आपसे पूछा जाए कब की थी, तो 1 नवंबर 1913 को। कहाँ की थी, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर। आगे चलते हैं, एक प्रसिद्ध घटना घटती है 1914 में जिसका नाम होता है कामागाटा मारू। कामागाटा मारू जो घटना होती है वह 1914 में होती है। एक पंजाबी होता है जिसका नाम होता है गुरदीत सिंह जिसका नाम होता है गुरदीत या गुरदीता सिंह, जो 321 सिखों और 21 मुसलमानों को मुस्लिम को जो 321 सिखों 321 सिखों और 21 मुसलमानों को कलकत्ता से सिंगापुर एक जहाज में वहां पर ले जाते हैं। लेकिन कनाडा सरकार उन्हें वहां पर जाने नहीं देती, उस पोत पर उतरनी नहीं देती, बंदरगाह पर उतरनी नहीं देती कनाडा सरकार। उन वहां पर बंदरगाह पर उतरने नहीं देती और वापस उसे कलकत्ता भेज दिया जाता है, जिसमें गुरदित्ता सिंह को पकड़ने की कोशिश की जाती है और गुरदित्ता सिंह वहां से फरार हो जाते हैं। और यहाँ पर सरकार एक दमन नीति चला देती है जिसमें 20 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और यह पहले विश्व युद्ध होने से पहले एक ऐसी घटना होती है जिसके कारण लोगों में क्रांतिकारी की भावना उभर के आ जाती है। आगे बात करें, ये घटना थी जब उसके बाद 1914 में लोकमान्य तिलक जेल से छूट जाते हैं बाहर निकल आते हैं। तो 1915 में एनी बेसेंट 1915 में तिलक के साथ मिलकर नरम दल और गरम दल को मिलाने का प्रयास करती है। और एनी बेसेंट दो समाचार पत्र लिखती है जिसका नाम होता है न्यू इंडिया एंड कॉमन व्हील। इन दो समाचार पत्रों को लिखती है कौन, एनी बेसेंट। अब हम बात करें, जब ये दोनों प्रयास करते हैं गरम दल और नरम दल को मिलाने के लिए, तो अब बात करते हैं, तो ये दोनों मिलकर एक पार्टी का गठन कर देते हैं जिसे कहते हैं होम रूल लीग। तो अब बात करें तिलक की होम रूल लीग की बात करें, तो तिलक की जो होम रूल लीग है इसकी शुरुआत 1916 में होती है। और इसकी जो पहली मीटिंग होती है, इसकी पहली बैठक की बात करें
पहली बैठक की बात करें तो इसकी जो पहली बैठक होती है वो बेलग्राम में होती है, बेलग्राम बेलग्राम में इसकी पहली बैठक होती है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो पूना में बनता है। इसका मुख्यालय पूना में बनता है। और इसकी 6 शाखाएं थी, मात्र शाखा की बात करें तो इसकी शाखा मात्र 6 थी, जो कहाँ कहाँ थी, महाराष्ट्र, कर्नाटक प्रांतों में थी। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, पुणे, कर्नाटक आदि प्रांतों में थी। अब बात करते हैं एनी बेसेंट होम रूल की, होम रूल लीग की। तो लीग की बात करें तो होम रूल लीग की जो इन्होंने अपना जो मुख्यालय हेडक्वार्टर बनाया था वह मद्रास चेन्नई में बनाया था, मद्रास चेन्नई में बनाया था। बात करें इसमें जो शाखाएं थी, इसकी जो शाखाएं थी, इसकी शाखाएं थी 200 थी, 200 शाखाएं थी। और यह वैसे तो तिलक की होम रूल से कमजोर थी, लेकिन इसने क्रांतिकारी को बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आपको बता दें इसका संगठन सचिव था जे अरू डेन। एनिवेशन की इसका संगठन सचिव की बात करें तो इसका संगठन सचिव था जे अरू डेन, जे अरुण डेल, जे अरुडेल, अरुडेल, जे अरुडेल इसका सचिव था। अब बात करते हैं अगली घटना 1916 में ही घटने वाली, आपने सुना होगा लखनऊ समझौता। अब आगे बात करते हैं, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, लखनऊ समझौता, लखनऊ समझौता की बात करें तो यह 1916 में होता है, लखनऊ के अंदर होता है। और इसमें क्या क्या कार्य होते हैं, इसमें मुस्लिम प्लस कांग्रेस का समझौता होता है, आपस में मिल जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्य होता है नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल के नेता आपस में मिल जाते हैं, दल के नेता आपस में मिल जाते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं। और लखनऊ समझौता को कराने में एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इसकी बात करें तो इसका अध्यक्ष जो होता है, इसका अध्यक्ष होता है अंबिका चरण। लखनऊ समझौता का जो अध्यक्ष होता है वो होता है अंबिका चरण मजूमदार, मजूमदार इसका अध्यक्ष होता है। अब आगे बात करें तो आगे बात होती है मॉन्टेग्यू की घोषणा, मॉन्टेग्यू की घोषणा, घोषणा जो 1917 में होती है। और इसमें क्या कार्य होता है, इसमें शासन, स्वशासन की प्राप्ति सरकारी नीति बन गई, स्वशासन की प्राप्ति सरकारी नीति बन गई, बन गई, स्वशासन की प्राप्ति इसमें सरकारी नीति बन जाती है। और इसमें एक और काम होता है मॉन्टेरी घोषणा में, जब 1909 में मार्ले मिंटो के द्वारा की गई घोषणाओं को समाप्त कर दिया जाता है, इसमें समाप्त कर दिया जाता है। कल हम पढ़ने वाले हैं गांधी युग। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें और
कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको उचित समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।